ये हमारी ग्लेन थ्री बर्नर वाली कुकटॉप है, जिसमें ये एल्बो टूट चुकी है, रिप्लेस करते हुए ये टूट गया। ये अक्सर टूट जाते हैं, 8-10 साल गया है ये, तो ये बड़ी बात है। तो ये मैं ले आया, इसका कॉस्ट 150 लिया, 50 रुपया होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं दुकानों में थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, फिर भी ओके। अब रिप्लेस करके देखते हैं। ये जैसे मैं कह रहा था, ये पुराने मॉडल में ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते थे और ये हैवी ड्यूटी होते थे, आजकल थोड़ा वो फ्लेमजी टाइप, थोड़ा स्टाइल टाइप आ गया है। चलिए इसको रिप्लेस करके देखते हैं। ये 360 डिग्री एल्बो कहते हैं, ये इसमें पीएनजी या एलपीजी पाइप फिक्स होती है, इसको हीट करके लगाते हैं। बट अब कभी कभी हम लोग थोड़ा हड़बड़ी करते हैं, खींच लेते हैं या जानते नहीं है इसका, तो ये ऐसा कुछ होता तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए एक पाइप रेंच चाहिए और टेफलन टेप चाहिए, बस। मैंने निकाल दिया बर्नर्स, अब इसको पलट देंगे। ऐसे फ़ोन नंबर डाल देते हैं जब रिपेयर के लिए। ये 2-3 बार रिपेयर हुई थी, ये शायद ये इसका नोज़ल भी बदला गया था, ऐसा मुझे याद है। बट बाकी ओवरऑल ये सही है प्रोडक्ट। यहाँ पे एक रबर गैस्केट देते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, गैस्केट बोलो या स्टॉपर बोलो, ऐसा ऐसा रहता है वो नॉर्मली। ये हम भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे टेफलन डाल के यही चेंज कर देंगे, बस सिंपल है गाइस। इसको बस आपको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज पाइप रेंच से, स्पैनर से निकाल के दिखाता हूँ। इसको घुमा के निकाल दीजिए, और सिमिलर टाइप मिलता है मार्केट में, बेस्ट लोकल मार्केट से खरीद लो। ये वन पीस है और ऐसा रहता है ये, तो ये पोर्शन टाइट रहता है, ये पोर्शन घूमता है। एक छोटा सा वॉशर भी है या ओ रिंग है, जो भी बोलो इसको, तो ये ऐसा रहता है। टूट गया ये, निकालते वक्त और फिक्स करते वक्त इसको गर्म करते हैं, कैंडल लेके गरम कर लो और पाइप को फिक्स कर लो या खींच लो, बट खाली ज़बरदस्ती अगर खींचोगे तो ये टूट जाएगा। वैसे अपने आप ये गल जाते हैं बहुत साल के बाद, हमारा तो हो गया था बहुत दिन, बट चलिए फिक्स करते हैं। इसमें टेफलन टेप डाल देते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं नए वाले को। टेफलन टेप डाल दिया, जैसे आप टाइट करोगे ना उस साइड में डालना, उसी डायरेक्शन में, सो आप जब टाइट करोगे टेफलन टेप लूज नहीं होगा, निकलेगा नहीं। तो चलिए अभी फिक्स कर देते हैं। टाइट कर दिया पूरा, और ये घूमना चाहिए 360 डिग्री। बस इसको साफ करेंगे, इधर रखेंगे स्टैंड में या किसी और जगह भेज देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल वर्किंग है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बस साफ करेंगे, ये बहुत सारा कचरा है। चलिए गाइस, ये हो गया एल्बो फिटिंग। ऑलराइट, अब तो मैं टेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन बस
ये हो गया काम ख़त्म। ऐसे आप लोग भी कर सकते हो छोटे छोटे चीज़ें। एल्बो हो गया फिटिंग।